तो अब इनके बीच में क्या भरोगे तुम? ये निकाल दोगे इसके बीच में निकाल के ये ईंट या मसाला? एग्रीमेंट बनता है पहले, बनाया था इनके साथ में, ये ठेकेदार है जो इन्होंने लिया है। अब तक कितने उठा चुके हो मकान आप? अभी तक तो लगभग 15-16 मकान उठा दिए अपनी लाइफ में अभी तक। कोई रिस्क आज तक किसी बिल्डिंग में रिस्क नहीं आया? उसको जितना इसको उठाना था इन्होंने उठा लिया। देखिए हमने पहले वीडियो दिखाई थी, लेकिन अब और जैक लगा के नीचे दीवार भी कर दी है इन्होंने, सारा का सारा ये उठा दिया है। इससे ज़्यादा नहीं उठेगा ये, 3 फुट के करीब इन्होंने उठा दिया है, और बाकी जैक भी निकाल लिए गए हैं अब इसके अंदर। खाली अब दीवारों पर है, कहीं कहीं बीच बीच में जैक लगे हुए हैं कोनों पर खाली। ये सारा काम इन्होंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। ये सब लेवल करके करते हैं काम, ऐसा नहीं है कि बिना लेवल के काम हो जाता है, सारा लेवल करने के बाद ही किया जाता है। देखिए बीच बीच में सब में 9 इंची दीवारें इन्होंने भर दी गई हैं, कहीं कहीं दरार आई हैं, वो तो सब क्लियर हो जाएगी, लेकिन कोई रिस्क नहीं होता है ऐसा। देखिए सामने ऊपर वॉश बेसिन वगैरह सब ऐसे टंगे हुए हैं। पीछे की मैं दीवारें दिखा देता हूँ, ये लास्ट बाउंड्री है इसकी, सभी के अंदर इन्होंने अपना भर दिया। देखो किस तरीके से पूरी दीवारें भर दी गई हैं, और जैक भी निकाल लिए गए। जो मैंने बताया था इसके अंदर 130 से 140 150 तक जैक लगे हुए थे, और बहुत कम जैक रह गए हैं आगे आगे सपोर्ट पर। पीछे की दीवारें सभी 9 इंची से तैयार कर दी गई हैं। तो मकान उठाने में कोई रिस्क नहीं होता है ऐसे। लेंटर भी उठवा सकते हैं आप, दोनों तरीके हैं जैक लगाकर। अगर ये लेंटर उठवाना चाहते तो लेंटर उठा, लेकिन इनका नीचे से बैठ चुका था, तो इनको उठवाने में नीचे ज़मीन से उठवाने में फ़ायदा था। बाकी लेंटर भी उठवा सकते हैं, अगर लेंटर आपका नीचे पड़ जाता है तो आप लेंटर भी उठवा सकते हैं अपना। देखिए अब ये दीवारें हो गई हैं ऊँची, सब चौकटे वही चाहेंगे, नहीं तो नहीं लग जाएंगी। बाकी पानी की फिटिंग दोबारा करानी पड़ेगी, लाइट की फिटिंग आपकी सेम रहेगी। देखिए पंखे चल रहे हैं वगैरह, लाइट जल रही, सब लाइट की फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, लाइट की फिटिंग एज इट इज़ वही बनी रहेगी। खाली आपको पानी की फिटिंग दोबारा से करानी पड़ेगी, जो खर्चा पानी की फिटिंग में आएगा, और बाकी जो इसके अंदर आ रहा है वो 2.5 से 3 लाख 4 लाख तक रुपये का खर्चा आ जाएगा। मटेरियल लगाएंगे तो 5 लाख भी लग सकते हैं, तो टोटल जो है 5 लाख रुपये तक का खर्चा टोटल मोटा मोटा इसमें आ जाएगा सारा अभी तक का। तो बाकी है देखिए जैक वैक लगा दी गए हैं सारी में, और अभी थोड़ा जो इसके अंदर बराबर में गैप है उसको भी ये भी हटाएंगे, गैप को पूरा गैप किया जाएगा, जो बीच में दीवार में गैप है उसको भी ये पूरा करेंगे अभी खिसका कर। तो मकान शिफ्टिंग का है, अगर आपकी जगह खाली आप दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं तो दूसरी जगह भी ये शिफ्ट कर सकते हैं मकान को। ये इतनी नॉलेज है, जैक लगा करके लिफ्ट आती है, और दूसरी जगह भी दूसरे प्लॉट में इसको शिफ्ट कर सकते हैं अगर स्पेस है इनके पास में, तो पूरा काम ये कर सकते हैं पूरा। इनके पास वेल्डिंग मशीन वगैरह सारा रहता है, जिससे ये सपोर्ट लगा लगा कर काम किया जाता है। दोस्तों सारे जैक लगा दिए गए, बाहर से दिखा देता हूँ। देखिए दीवारें भर दी गई हैं इन्होंने किस तरीके से। ये 20x45 का मकान था जिसको उठाया गया है, पूरा 2 मंजिल का। देखिए ऊपर भी सपोर्टें लगा रखी हैं इन्होंने, और नीचे भी सपोर्ट है। बाकी लेबर काम करी गई है, अभी कम से कम 7-8 दिन का काम, 2-5 दिन का काम और बचेगा इनका। कितने दिन में फाइनल हो जाएगा? कितने दिन में हो जाएगा फाइनल? लिगाड़ दोगे सारे जैक हैं? और दीवारें चिन जाएंगी, और DPC कब डालोगे इसकी? DPC कहाँ है? आ जाओ चलो। जैसे ये फुटे कर रहे हैं ना, हाँ, ये इनके साथ साथ ऊपर होगी DPC भी पड़ रही। और सरिया ना डालोगे? तो कुछ जाना। तो अब इनके बीच में क्या भरोगे तुम? ये निकाल दोगे इसके बीच में निकाल के फिर इसी तरह मट, ये ईंट या मसाला? मसाला है दोस्तों, फुल मजबूती से काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। DPC पहले भी नहीं थी इसमें, DPC अभी दोबारा डल ली थी, लेकिन मजबूती रहेगी। ईंटें भरी जा रही हैं पूरी 9-9 इंची की सभी दीवारें ये भरेंगे अभी। और बाकी तो रिस्क तो कुछ है ही नहीं इसमें, वहाँ तो रिस्क की तो बात ही नहीं है। जो काम करते हैं एग्रीमेंट बनता है पहले, बनाया था इनके साथ में, ये ठेकेदार है जो इन्होंने लिया है। अब तक कितने उठा चुके हो मकान आप? अभी तक तो लगभग 15-16 मकान उठा दिए अपनी लाइफ में अभी तक। कोई रिस्क आज तक किसी बिल्डिंग में रिस्क नहीं आया? देखो जी भगवान की दुआ से अभी तक किसी बिल्डिंग में इनका रिस्क नहीं आया, और इसी के नीचे बैठ कर काम करते हैं सारा, जो भी इनके लगे होते हैं। देखिए सारे जैक वगैरह इसी के नीचे सोते हैं, ये सोते भी इसी के नीचे, ऐसा भी नहीं है ऊपर भी रह रहे हैं छत पर, नीचे भी सो रहे हैं, बिस्तर देखो पड़ा हुआ है, सारा काम इसी के नीचे करते हैं ये।
तभी का ये फाइनल होने वाला है काम 1500। खाना पीना सारा कुछ यही करते हैं, लेबर में जो और अगर तुम्हें मकान ये बराबर में शिफ्ट कराना हो हमें वो भी हो सकता है, सारे काम है सारे। दोस्तों ये बराबर में शिफ्ट लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग दोनों है, लिफ्टिंग भी करा सकते हो शिफ्टिंग भी करा सकते हो, दूसरी जगह मकान हो सकता है, बाकी मकान किसी का झुक गया हो सीधा भी हो, और बाकी लेंटर किसी का उठाना हो लेंटर भी ऊपर उठा सकते हो। तो दोस्त क्या रेट ले रहे हो अभी यहाँ पर आप? यहाँ का जो 150 रुपये स्क्वायर फुट है, 150 रुपये लेंटर न पड़ेगा दोरा, तो ये 20x45 का है दोस्तों, 150 रुपये स्क्वायर फीट है, तो छज्जा वज्जा लगा के सारा लगा लो तो 900-1800 या 2000-2200 स्क्वायर फीट बैठ जाएगा ये, तो इतना आएगा इनका। इन भाई का मैं नंबर दे दूंगा नीचे, अगर किसी को उठवाना हो मकान तो इनसे संपर्क कर सकते। कहाँ से हो आप? लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और किसी भाई को भी लिफ्टिंग या शिफ्टिंग करानी हो मकान की तो इनका नंबर ले सकते हैं, और अभी रेट ये अच्छे दे देंगे आपको, ऐसा नहीं है कि रेट में कुछ है नेगोशिएबल देंगे होंगे, तो ये आप इनसे ट्राई कर सकते हैं, मैं नंबर नीचे डाल दूंगा। तो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था मकान, अब ये फाइनल पे ही है और कोई रिस्क नहीं है। देखिए सारे जैक लगाड़ दिए गए हैं ज़्यादातर, बस ज़्यादा 20 या 30-40 जैक बच रहे होंगे बस, बाकी जैक रोज लगड़ रहे हैं, आज एक दो दिन में ये काम सारा अपना फाइनल दे देंगे करके इनको। बाकी इसमें बिजली फिटिंग का काम, उसका पानी फिटिंग का काम रह जाएगा, बिजली फिटिंग आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।